सकट से ध्वजा पूजन के उपरांत माता की पंचम पद यात्रा हुई शुरू, जहां अलवर जिले की राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम सकट के ग्वालों के बास से दौसा जिले के बस्सी झामरा में स्थित ध्वावण माता की पंचम पद यात्रा ध्वजा पूजन कर श्रद्धालु रामकिशन मीणा के नेतृत्व में प्रारंभ की गई। मीणा ने बताया कि पदयात्रा रवाना होने से पूर्व श्रद्धालुओं ने ग्वालों का बास छोटी डूंगरी पर स्थित भूमिया जी महाराज के स्थान पर सामूहिक ध्वज पूजन किया और यहां से पदयात्रा डीजे के भजनों के साथ रवाना हुई। पदयात्रियों के द्वारा संकट ग्राम में स्थित श्री खाकनाथ जी महाराज मंदिर, गांव वाला बाबा मंदिर, चौथ माता मंदिर, सीताराम जी महाराज मंदिर, बांकी बिहारी जी महाराज मंदिर सहित मुख्य बाजार स्थित श्री थाई वाले हनुमान जी महाराज मंदिर पर पूजा अर्चना की गई। पदयात्रा में शामिल महिला श्रद्धालुओं ने डीजे की धुनों के बीच भजनों पर जमकर नृत्य किया। पदयात्रा सकट ग्राम से रवाना होकर सांवलिया धाम, करनावर, गुड़ा, कटला, दौसा, जटवाड़ा, बांसकोवा, मोनपुरा होते हुए शनिवार को बस्सी झामरा स्थित श्री ध्वावण माता के स्थान पर पहुंचेगी। वहां पर पदयात्रा द्वारा ध्वावण माता मंदिर पर सामूहिक रूप से ध्वज चढ़ाकर पूजा अर्चना के साथ ही मंदिर पर आयोजित भंडारे में प्रसाद ग्रहण करेंगे। पदयात्रा के मौके पर समर्थलाल, छुट्टनलाल, नरसी, शिव सहाय, बाबूलाल, मोहनपाल, राजेंद्र, मिठूलाल, सुरेश, राकेश, दिनेश, श्याम, नरसी राम, लक्ष्मण, हरिराम, छोटेलाल, जयलाल मीणा सहित अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे।